अगर मैं इस तरफ तो उठू जोल दे दिखे ना कि इंडिया के दरख्त नजर आने नहीं तो इंडिया की बाढ़ नजर आती है। रहीम अस्सलाम वालेकुम। उच्च ड्राइवर दे मकबरे ढांदे वेंदन मैथों मेरे बाला मेरा शिजरा पूछा तो मैं क्या आखे सा। जी दोस्तों अज मैं चौलिस्तान दे विच मौजूद हाँ और अज तक मैं सैर करवांदा पिया किला रुकनपुर दी। ए ओ किला है जिहड़ा क्यामे पाकिस्तान तो भी पहले आबाद हाँ और इत्थे एक शहर आबाद है। वो शहर दा तुहानू विजिट करवाने और किले दे बारे मजीद तुहानू लिखवाने हैं तो साडे नाल नाल रहो। वीडियो ते बहुत मेहनत थई है तो वीडियो मुकम्मल वाच करे सो तो आओ हुण जुलदे हैं किले दी तरफ। सामने जरा नजरदा पे किला रुकनपुर है और इन ही एक सैयद बादशाह से मज़ार है दरबार बनाया हुआ और चूने दीवारा बनिया दिया टाइम दीवारा एक साइड दीवार की ढह गई असं सदियों पुराना ये जगह से जी असं तो दिखे पे हैं। मेरे नाल मौजूद हैं मलिक नासिर रहमान साहब इन्हों दे पर डाडा इतना दफन हैं सही तो असं तो अगू ऊ दौर दियाँ कबर दिखे हैं 100 ये भी एक मस्जिद बनाई गई है किले दे नाल टाइम शहीद थी पी असं तो अगू सिर्फ नक्शा जड़ा वो नज़र आता पे कि मस्जिद है जिमें मीनार हैं वो मीनार है और ये देखो चूना है सारा ही ना ये जड़ा नज़र आता पे तो ये चूना नज़र आता पे और इस साइड दे ये पानी वाले खूह बनाए गए हैं किले के बिल्कुल नाल किले के अंदर असं वेंदे पे हैं। ऐसे खूह हैं जिन्हां दे विचों पानी कढ़िया वेंदा नेड़े मैं नहीं आस्ते नहीं वेंदा पाया कि बहुत खस्ता हाली का शिकार हैं मुमकिन है कि नेड़े वञां तां कोई भी हादसा थी सकदे ना खुशगवार जो कि साढ़े वास्ते अच्छी अलामत कहना उसी। ये भी सी खूह है ऊं दौर दा इंदे तो भी पानी हासिल किया वेंदा इन टाइम विच जानवरों ने डेरे लाए हुए तो मैं थोड़ा जा नज़दीक इं आस्ते नहीं होता पे इस नाल लटक बद के दे पानी कढ़े हैं ये इतना जल मैं बोले ना जे अस बिल्कुल पानी विच मौजूद खड़े से खूह दे और इवें नाल नाल खूह आते हैं सारे वो सामने किले की दीवार ये देखते पे ये खूह जड़ा ढह गए बारिशा थे बारिशा की वजह तो ये एक हौज ही बनी हुई है खूह चू पानी कट के हौज के पाया वा कपड़े धोते वेंदे हैं इतना और जानवरों को पानी पिलाया वेंदा इवें एक नाल बिया खूह है। ये सामने से किला जिमें असं तुहानू खूह दिखाए पानी दे इतना इतना वो लगी होंगी गिरनी ये जी जगह सामने तुहानू ये नज़र आती पी है तो ये होंदा सी खूह ये कुछ अपनी असल हालत दे विच मौजूद है ई खूह चू पानी कढ़दे ई हौजी च पाता वेंदा और ई हौजी दे विचों पानी निकल के ई हौजी च आ वेंदा तो इं हौजी के जानवर भी पीवे ना इतना वाले छोटा जहा बनाया छोटे जानवरों को पिलाने वास्ते ये बाद दे विच बोतल काट के लाई गई है ये देते पे उसो ये छोटे जानवरों को पिलाने वास्ते ये जगह ही बनाई गई है। ये खूह कुछ अपनी असल हालत दे विच मौजूद है। ये कुछ व्यू है सही किले तो बाहर का तो हूँ असा वेंदे पे से किले के अंदर की तरफ अंदर दे तो अगू कुछ मनाजर दिखे ने असं अगर कोई चीज़ मौजूद है तो वह तो अगू जरूर दिखेसूँ तो साढ़े नाल जुड़े रहो मुहब्बत तुसा दोस्तों दया असं तमाम दोस्तों के मशहूर हैं असं जेड़े साड़ी वीडियो दे देन और पसंद करे ने ये दे दे पे ऐसे चूने दया दीवारा बनिया खड़े सारे ये कुछ रोशनदान एक दीवार का हिस्सा आया पे तले या अल्लाह खैर हूँ से असा उत्ते की तरफ वेंदे पे तो अगू
इंदा सेन दिखे ने असें किले दा। अच्छा असें ये अंदर दा हिस्सा है, वो सामने दरवाजा होंदा, गेट होंदा, गेट दी तरफों भी असा तुहाकू जुलदे दिखे ने। तो ये आस पास का तुहाकू व्यू दिखा दूं। ये जेडे तुहाकू दरखत नजर आंदे पेन, इंदे चार चुफेरे मिठे खूह होंदे हन पानी दे। कुछ खूह जेडे ने असल हालत च मौजूद हैं, कुछ जेडे ने ढह गए, खस्ता हाली का शिकार हैं। और लगता इवें कि इत्थे पानी मिठा है पीवण का, जिंदी वजह तो खूह हाली भी कुछ चलते पे। इंदे विच ना कुछ गारां भी मौजूद हैं, तो गारां दी जेड़ा तले वंजन वास्ते असें जिगरा चाहिए, तो असं गारां दे विच वंजन तो परहेज इं वास्ते करेंदे पे हैं कि एक किला रकनपुर समझो बॉर्डर ते मौजूद है, इंडिया दे बॉर्डर ते। अगर मैं इस तरफ तो उतू जुलते दिखे ना कि इंडिया दे दरख्त नज़र आने नहीं, तो इंडिया दी बाढ़ नज़र आती है। ते आखिरी किला है सही, अच्छा से जिमें गार का जिक्र करें दे प्यासे, तो मैं आके थोड़ा जा गार तो आगू दिखा दूं। नासर भी थी सो साइड दे, ए सी गार वेंदी पी अगू दे, ओ डिठे वे चाम गिदड़ बैठन सी। ते ई गार तू तले बांधे सी, एक सुनारे दी हट्टी होंदी है, तले गेट भी मौजूद है, और घोड़ियां दे स्टबल होंदे हन तले, ओ भी हाली मौजूद हन। लेकिन एक ही गार दरस्ते वंजन वास्ते जिगरा चाहिए। तो फिलहाल से ऐसा नहीं मैंने असा तो अगू आस पास का व्यू जो सारा दिखवा देने, ये उनके बाहर दीवारां नाल नाल दी जी आबादी होंगी सी वह भी तकरीबन मिलिया मेट थी चुकी है। एक किले के नाल ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। ये मस्जिद जी सही क्यामे पाकिस्तान तो भी पहले दी बनी हुई है। इंदी बहाली का काम कोई थिंदा पे एक मेनटेन किया वा पे। ये रुकनपुर शहर के आस पास जी आबादी होंगी है, जेडे घर होंगे वो भी मिलिया मेट थे पे, असा नज़दीक तू जुल के तो दिखे ने। ये किला रुकनपुर आंदा, ऊ साइड के खूह आंदे हैं पानी वाले जेडे असा तो पहले दिखा चुके हैं। ये हद बंदी होंगी सी, ये डिठे वे ये अगू ये सफा की झा होंगी, और ये मस्जिद, और ये जमीन तो काफ़ी उच्ची है सी। मस्जिद अंदर का कुछ व्यू इवें ही है कि कोई रंग रोगन किया वा पे। ये हूँ दौर दी लफ्ज लिखे गए हैं, ये कलमा शरीफ लिखा हुआ है गालिबन। तो अल्लाह सिर्फ ये सही अंदर का कुछ व्यू, ये छत देखो, और ये जरा गुंबद बाहरों निजरदा पाया सी, ये अंदर का उनका व्यू, और चूने के नाल तैयार किया गया सी। ये देते पे सो ये इंदा छत लकड़ी इस्तेमाल थी खड़ी, ये इंदियां दरिया, ये इंदे रोशनदान, और कुछ ये मंजर है बाहर का। अच्छा से जिमें ख्वाजा साहब ने फरमाया मस्जिद मंदिर हिकड़ो नूर, तो मैं समझदा ये इतना असा मस्जिद खड़े हैं, ये सामने जगह जी तुम नजर दी पी इतना से मंदिर होंगे, और इन टाइम भी मंदिर मौजूद है। ये मस्जिद गुंबद का परछावा वेंदा पे, और जिथा वो सामने तो ढेर नजर दा पे उस मंदिर होंगे, और इंदे नाल गुरुद्वारा भी होंगे असं असा तो वो मंजर भी दिखे ने। अच्छा सी उत्ते मस्जिद है, और मस्जिद के नाल जड़े एक सामने ये वाला तो कमरा नजर दा पे, उसके एक कमरा ये है वे, ये दू कमरे होंगे से मस्जिद के इमाम दे, जेडे मस्जिद के इमाम होंगे, तो ये नाल बच्चों वास्ते मदरसा बनाया हुआ है। जिमें मैं तुम्हें दिखाया कि ये पे उत्ते मस्जिद है, और तले मदरसा होंगे बच्चों का, बच्चे पढ़ते हैं से, और इन टाइम असा अंदर आ गए से, और
ये उत्ते दा कुछ माहौल है, ये सारा चूने दा काम थिया खड़े और इंदे विच काफ़ी ठंडा के सही, बाहरों ज़्यादा गर्मी है और इतना ठंडा के। ये मेहराब ये ऐसे किले दे आस पास से आबादी होंगी है, ये बाजार होंगे इतना इतना दुकाना होंगे, एक शहर आबाद है। और ये दोस्तों क्या मैं पाकिस्तान तो पहले दिन गल इतना काफ़ी बरादरियाँ रहा जिन्हों का सबूत कि अज भी अपने आबाओ जदाद दे कबर से आने कब्रिस्तान मैं तुम्हें तो दिखा आया। एक मिट्टी का ढेर बनया पे सही किला रुकनपुर, ये इंदे बुरज होंगे सही सामने कुछ गार, जिमें सही हर किले के गार मौजूद हैं तो ये किले के भी सही गार हैं, उन्होंने गार तक अस नहीं पहुँच सके, ये नहीं कि पहुँच नहीं सके, सारे कि इतना हौसला कहना है कि असा इस सुंज बई बांध दे विच कहीं गार तक वजू कुछ भी थी सकता है। तो ये कुछ कमरे दिखे ने, अल्लाहु अकबर। जैसे एक गार होंगी थले तरफ इंदा इंदा रस्ता, और ये देखो चूने के नाल चीज़ा बनाया हुआ, ये उत्ते वजन वास्ते हैं सीढ़ियाँ। और इतों मैं तो क्योंकि अगों ये पे अगू दे सीढ़ियाँ हैं, लेकिन ये बेच गैप है, ये जगह इतना ठह गई है। ये सारा शहर होता जड़ा ही टाइम मिट्टी का ढेर थिया पे, वो तेरी खैर हो। कुछ सही बनावट, ये एक रस्ता जड़ा वेंदा है, एक बंद कर दिता गया, कोई खुफिया कमरा है मेरे ख्याल दे नाल। देखो कि एक रस्ता आंदा ही में उत्तू तो पौड़िया वेंदा पियान, ये वाले एक रस्ता ही है। और इतों मैं तो अगू तो जुलते दिखे ना इंता बाहर का व्यू, और ये जगह देखो इतना डिबे बाले में ध्यान ये जा दे, ये देखो सी क्या खूबसूरत व्यू है बाहर का। अगू दिन से अवान बरादरी के घर उन्होंने व्डिया कबर तू दस थी ऐसे वो घर तो अगू दिखवे ने बिल्कुल सही, ये तो अगू दिखा दूँ क्यों दौर इटा का रिवाज कहना होता, ये सारा चूने का काम थिया पे सही। तो किले जितने बनाए गए से उची जगह पर बनाए गए, तो ये भी एक उची जगह पर किला बनाया गया, और इतना पूरा एक शहर आबाद है। ये सारे नाल मौजूद हैं सही मलिक नासिर अवान साहब। नासिर भाई कुछ जानते वे भाई जानी दे किले की तारीख के बारे तो जरूर शेयर करे सो। ये क्या मैं पाकिस्तान तो पहले दे। अच्छा सर, ये साढ़े वडेरे जो हिजरत करके आए जिले खुशहाल जी, ते साडा जड़ा परडाड़ा है उंदा परडाड़ा हिजरत करके आए जी, हूं रे असली हालत में मौजूद है। नवाब साहब ने होना गुना इतो दा किलेदार बड़ा दिया, ठीक है, पर उन्होंने मस्जिद तमीर की थी जी, उंगले बाढ़ होंगी कहना ये बाढ़ रहा कहना पाकिस्तान बरसगीर इको हो जाए जी, नाल इतना हिंदू बस ध्यान नाल किराड़ी बस ध्यान जी, वल मजहबी हम आहंगी खूबसूरत इंतजाज कि एडो मस्जिद एडो मुसलमान हैं एक विघे से मंदिर जी, उ हिंदू अपनी इबादत कर सकते हैं कोई उन्होंने पाबंदी कहना है, और इवें ही सामने गुरुद्वारा होगा उ सिख अपनी इबादत करें वो सामने से। अच्छा सही, उ सिख अपनी इबादत करें कोई भी मतलब मजहब की कोई मजहब कार्ड कहना होगा कि अजकल चिरका वारियत भी इतने जोर से, लेकिन तुम देखो कि आज तू 100-150 साल 200 साल पहले लोग कि इकट्ठे रहने, इनका सामने इतना गेट होता है किले का,
अंदर दरबार है कुछ ये दिन जी ये फसीला होने हैं जी चार चुपेरे पर वो खूब हैं ये वाल शहर है ये मतलब ये कुछ बिल्लियां हैं जी और मिसमार थी कि निडानी में जो शराब दौर दे बेच जो जो जंग का खतरा है वो जो मिसमार की कर जी सामने उन जगह जो चौकी होनी है जी पाकिस्तान रेंजर भी जी सामने चौकी होनी है वो भी हमने खत्म कर दी अच्छा से नासिर भाई साहब को सेदे पेन के था सात कोमा रांध्यान जिन्हों का आपस के इतना भाईचारा एक ही जामे मस्जिद ही था तो इन जे पर डाडा हैं सही उन्होंने को इतना इतों का किलेदार बना के भेजा गया जेडे टाइम ए पाको हिंद एक ही होंगे तो यह गल बड़ मुशरफ दौर जेडे टाइम जंग का खतरा है तो ऊ टाइम ही किले को मसमार किया गया उतली मंजिल का कमरा और एक तलवी मंजिल का कमरा है सही देते पे ये उतलिया मंजिल तो दोस्तों ये सही आज का जेडे शैर करिए से किला रुकनपुर मैं उम्मीद कराना कि मेरे तमाम देखने वाले को आज की वीडियो पसंद आई हो सी वीडियो बड़ी मेहनत नाल बनाई है सही अगर तुसा दोस्त चाहते हो कि इस तरीके से मैं तुहानू वीडियो बना के भेजेंदा रहा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे सो वीडियो के कॉमेंट्स लाजमी करे सो मेरे को दे सो किला रुकनपुर तो इजाजत वसते रहो अल्लाह हाफिज़।